ऐसा आप शर्मिंदा कर रहे हो, मैंने जो भी कुछ किया क्या ये पैसे के लिए किया? क्या आप मुझे कुछ पैसा दे दोगे? क्या दे दोगे? 10 रुपये 50 क्या क्या दे दोगे आप? कोई मेरे पास कमी तो है नहीं किसी बात की? आप पैसे के लिए सोचते हैं, पैसे के लिए काम किया है? ये तो मेरा फर्ज था, मेरी जमीर है, मेरी प्रकृति है, मैंने इनको इस दिशा में देखा तो मुझसे नहीं रहा गया और मैंने इनका सहयोग किया। ये तो इनको दुख हुआ, मुझे भी दुख है, आपको दुख है, सबको, लेकिन मुझे सेवा का अवसर मिला और मैंने कुछ काम किया, इस बात का मुझे संतोष है। भाई चलो अपन कुछ तो काम आए, किसी के काम आए। वो लोग बहुत ही इस बात को उन्होंने उपकार माना और फिर बातचीत हुई, कुछ मित्रता से होगी। बोले मैं संतों के दर्शन करके आ रहा था, उनके दो आदमी बोले भाई हम तुम्हारे गुरुओं के दर्शन जरूर करेंगे। उनके साथ वो दर्शन करने आए और उन्होंने कहा जी आपकी शिक्षाएं तो बहुत ऊंची हैं, आपके इस शिष्य ने हमारे तो आदमियों की जान बचा दी, नहीं तो क्या होता। ऐसे जो लूटने वाले जो जीवर उतार रहे थे तो आसपास के इधर के उधर के थे, जाते जाते आदमी का गला भी घोट जाते हैं ताकि भाई ये गवाही नहीं दे सके, क्या कर जाए आदमी जो ऐसा काम करने लग रहा है। और इन्होंने हमारी बहुत मदद करी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप संतों का, धन्यवाद करते हैं, ये उनके शब्द थे। मेरा कहना यह है कि किसी का भला करना, उपकार करना, यह धर्म है। जिसने उपकार किया है उस भर्ता का उपकार का बदला उतारना आसान नहीं होता। आप इसी प्रसंग से थोड़ा सा सोच भी सकते हैं, जिसने मदद करी उन लोगों की, क्या उस चीज का बदला उतारा जा सकता है? उस चीज को हम यूं कह सकते हैं भाई ये रुपए पैसा दे दो, इनका कुछ और काम करवा दो, ये करवा दो, इससे कुछ हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो तो हृदयगत चीज है, जिसने कि किसी का भला किया वो तो बहुत बड़ी बात है, बदला नहीं चुकाया जा सकता। एक और आपको मजे की बात बताता हूं। पूज्य गुरु जी महाराज थे, जिन्होंने दर्शन करे नजदीक से देखा, वो उनके महिमा को जानते हैं। गुरु महाराज की खास बात थी कि वो ये जैन है, ये अमुक है, ये ऐसा भाव उनके दृष्टि में होता नहीं था। कोई भी व्यक्ति उनके संपर्क में आया और उसको धर्म का उपदेश दिया, माल टाउन में गुरु महाराज विराजमान थे। एक दिन बाहर जा रहे थे, एक बड़े बुजुर्ग भाई, वो उन्होंने हाथ जोड़े का स्टाइल ढंग पता चल जाता भाई जैन नहीं है। हाथ जोड़े गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और रुक गए। नाम पूछा, तुम्हारा क्या नाम? उन्होंने नाम बता दिया। कहाँ रहते हो? बता दिया जी वहां हमारी कोठी है, वहां रहते हैं। बोले अच्छी बात। बोला जी कोई सेवा बताओ। वो भाई बोला कोई सेवा बताओ। गुरु महाराज बोले देखो हम संतों की सेवा तो और कुछ कोई रुपए पैसे के रूप में नहीं होती, कुछ और नहीं होती, हमारी सेवा यह है सुबह सत्संग होता है, सत्संग में आया करो। बोला जी समय लग गया तो मैं आ जाऊंगा, सत्संग में आ जाऊंगा। वो सत्संग में आने लगे, उन्हें अच्छा लगा और वो बड़े अच्छे गुरु महाराज के अनुयायी कह लो, शिष्य कह लो, भक्त कह लो, बड़े अच्छे भक्त हो गए। एक दिन वो बोले कुछ वो किताब के प्रूफ का मामला था मेरा। बोले जी आप किताब छपवाते हो? गुरु महाराज बोला किताब छपेगी जब तो किताब बटेगी, नहीं इसके बिना तो कैसे बटेगी, किताब छपेंगी तभी तो। बोले तो फिर आपकी किताबें कौन छपवाता है? गुरु महाराज ने समझाने के लगा आप जैसे भक्त लोग छपवाते हो, कौन छपाएगा, साधु तो पैसा रखते ही नहीं, ये तो भक्त लोग, हमारा तो काम है किताब लिख दी और ठीक है दे दी, प्रूफ देख दिए, बाकी तो छपवाते हैं। बोले मेरे को दो ना एक आध मौका ऐसा कोई आपकी किताब छपाने का। थोड़ा सा गुरु महाराज बोले अच्छा दे। बोले ना मेरे पैसे नहीं लगने के। वो बोला मेरे पैसे नहीं लगने। गुरु महाराज ने कहा तुम्हारे प्रेस है? बोले ना जी प्रेस तो है नहीं, बाकी अपने प्रेस बहुत। उसने कहा अपने प्रेस तो है नहीं, बाकी अपने प्रेस बहुत है। बोले कैसे? बोले महाराज जी क्या करूंगा बता करके, मेरे को दे दो जो आपने छपवानी हो ना, मैं वैसे ही बनवा के ला दूंगा आपकी किताब, लाओ मेरे को दो। गुरु महाराज मेरे से बोले भाई कोई छपवानी देख ले, ये किताब छपनी रही। बोले ऐसी बढ़नी है कुछ और होना इसके अंदर, मां भी ऐसी बढ़नी है। बोले ठीक है। वो ले गए
और 5-7 दिन के बाद में जो किताब 1000 किताब छपा लाए आगे किताब, तो वो फिर पूछ लिया, मैंने पूछ लिया इस बार, माँ जी आपके प्रेस है? बोले ना जी मेरी नहीं कोई, मेरे पास नहीं कोई प्रेस प्रेस कुछ भी। मगर फिर बोले अपने चेले बहुत, उसने कहा अपने चेले बहुत प्रेस वाले, बोले और छपाने तो और दे देना। अच्छा भाई, उस आदमी की बात बताता हूं, उस व्यक्ति ने जिसकी मैं बात सुनाने लग रहा हूं, उसने अपने जीवन के अंदर सही संख्या तो वो कितनी बता पाए, मैं कितनी बता पाऊं, लगभग 100 आदमियों को काम पर लगाया। और काम पर लगाना है ना काले के नौकरी लगवाना ना, उनके काम करवाए और बोला ये अपने सारी लाइन में चेले, प्रेस वाले कई चेले, और बोले मैं जाके कोई काम बताऊं उनको, मैं धर्म का काम है, बोले और तो मैंने करवाना क्या, धर्म का काम हो मेरे से पैसे लेंगे वो तो धन्यवाद और करेंगे, कह लाला जी और कोई मौका देना वो तो ये काम करेंगे। बंधु उस व्यक्ति की विशेषता और जब परिचय हुआ यह है, उस आदमी ने अनेक लोगों को काम पर लगाया, कोई भी उनके गांव का इधर का उधर का आ गया, जी लाला जी क्या काम जाने भाई तू, हरियाणा के थे, क्या काम जाने तू, जी मैं ये काम जाना, बोले चल आ जा पहले तेरे ट्रेनिंग दिलवाता हूँ, पकड़ के किसी के और जा हाँ भाई इसको जरा ट्रेनिंग देना, किसी की दुकान पर छोड़ देते और कोई मना नहीं करे, अब तो लाला नहीं रहे, बोले भाई इसको ट्रेनिंग दे, और ट्रेनिंग दे दी, कहीं से माल उठवा दे, भाई माल दे तेरे जिम्मेदारी मेरी, माल दे इसको तो काम करने का मौका दे, पता नहीं कितनों की दुकान खोलवाए। ये प्रकृति है ना, ये स्वभाव है ना, यह है इस बात का, भाई किसी का काम हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, कि कुछ काम लग जाए तो बड़ी अच्छी बात है, स्वभाव है, ऐसा स्वभाव उत्तम स्वभाव परोपकार का है। और कष्ट न मानना, मैं प्रेरणा दूंगा आपको भी ऐसी आदत डालनी चाहिए, अगर आप किसी का काम करवा सकते हो, आपकी सामर्थ्य है इस बारे में करवाने में और आपको कोई दिक्कत नहीं है, जरूर किसी का काम करवाना चाहिए, ये उपकार है, उपकार करना चाहिए। और जैन धर्म का और उपकार का कितना नाता संबंध है, एक प्रसंग में और बताने लग रहा हूं, प्रसंग क्या आपके सामने रख रहा हूं। जैन धर्म का चिन्ह अपने दिमाग में ले आओ, यहां भी कहीं लग रहा होगा, न हो तो सभी जगह लगा रहता है, जैन धर्म का एक चिन्ह होता है, उसको त्रिलोक का नक्शा भी कहते हैं, वो तो एक बारीक सी बात है। जैन धर्म का जो चिन्ह है उसके नीचे कभी देखना, बड़ी बारीक बारीक सी कुछ लिखा सा होता है। अच्छा ये अर्थ तो बता दो उसका, फिर बारीक बारीक सा लिखा होता, आपने सही बता दिया, परस्पर उपग्रह जीवानाम, ये लिखा रहता है, इसका अर्थ होता है एक जीव का दूसरे जीव के ऊपर ऊपर उपकार करना, ये धर्म होता है। ऐसी पंक्ति, अद्भुत पंक्ति, विचित्र पंक्ति, किसी का किसी के उपकार करना यह धर्म होता है, और ये करना चाहिए। हमारा तो यह है जिसको हम लोगों कहें, जिसको कि हम अपना चिन्ह कहें, उसका नारा है, पंक्ति है, किसी ने किसी का उपकार भला हमारे को अवश्य मेव करना चाहिए, यह है बात। हमने से कभी याद करना, खुद से अपने से ही पूछना, हमने किसी का भला किया, हमने किसी बिगड़ते हुए काम को संवारा, हम किसी के साथी बने, अपने से पूछ कर देखना, अगर आपने ऐसा किया तो बहुत अच्छी बात, और इसके लिए हमारा आशीर्वाद संतों का, आपने बड़ा अच्छा काम किया, और अगर नहीं किया है तो यहां से कुछ सीखो इस बात को कि भी कुछ करना चाहिए जीवन के अंदर, कोई तो उपकार करे, कोई तो काम करे, कोई अच्छा काम करे, ये तो जैनों की पहचान है, हमारा तो ये नारा है, हमारी तो ये बात है, करना ही चाहिए उपकार का काम करना चाहिए। और अब थोड़ी कड़वी बात भी साथ में करूंगा, अगर कोई व्यक्ति हमारा उपकार करता है और हम उसको न माने, उपकार को न माने, उस आदमी का एहसान न माने, तो फिर हम कहलाएंगे एहसान फरामोश, और इसको हिंदी में कहते हैं कृतघ्न, कृतघ्न कहते हैं, कृतम ने जानाती, जो कि किए हुए उपकार को याद नहीं रखता वह कृतघ्न होता है। और कृतघ्न के बाद क्या कहे,
एक प्रसंग के माध्यम से आपको बताने लग रहा हो कि ये इसके बाद क्या विचित्र है। कर खप्पर सिर श्वान है, एक ऋषि जाने लग रहे थे, रास्ता था, रास्ते से दुनिया आती है, दुनिया जाती है, वो जाने लग रहे थे। सामने से कोई आ रहा था, उसको देखा तो देखकर, वैसे साधु तो संभावी होते हैं, किसी से घृणा क्या करना, पर जो दृश्य है वो दृश्य तो घृणास्पद था। जो सामने से जो कोई भी आ रहा था उसके हाथ में खप्पर था मांगने वाला, ये तो कोई खास बात नहीं। सिर श्वान है, सिर के ऊपर मरा हुआ कुत्ता रख रखा था, ये खतरनाक बात है, ये बड़ी वैसी बात है, बता, मरा हुआ कुत्ता रखा हुआ था। कर खप्पर सिर श्वान है, लोहो जो खरड़े हाथ, हाथों पर खून लगा हुआ था उसके, जो भी आ रहा था। छिटकत मग चंडालिनी, और वो जो स्त्री थी, वो स्त्री थी, वह एक हाथ से जल छिटक छिटक कर और फिर पांव रख रही थी। ये क्या मामला भाई, मरा हुआ कुत्ता तो सिर पर रख रखा है, बस जिस तरह के इन लोगों के काम होते हैं वही उसी मतलब के लिए था, जाकर के उसको मांस को खाना करना, हाथों पर खून लगा हुआ और वह पानी छिटक छिटक करके फिर पांव रख रहे। छिटकत है जल चंडाल ने, ऋषिवर पूछे बात, उनसे रहा नहीं गया। ऋषि बोले, बहन मैं तो समझ नहीं पा रहा ये सब क्या हो रहा है, और तू रास्ते में पानी छिटक करके पांव रख रही है, क्या बात है। तुम तो ऋषि भोले भाई, ऋषिवर आप दुनिया के त्यागी हो, भोले हो, आपको पता नहीं है कुछ भी, क्या बात है। तुम तो ऋषिवर भोले भाई, नहीं जानत हो भेद, कृतघ्न चरण रज ना लगे, छिटका तू ये नहीं, मैं इसलिए पानी छिड़क के चलती हूं, अगर यहां से कोई कृतघ्न निकला हो ना, उसके पांव के रज मेरे पांव को ना लग जाए, इसलिए मैं पानी छिड़क के चल रही हूं। यानी कृतघ्न को इतना बुरा बताया, हम जो हैं जैसे हैं जो करते हैं उसके आगे हम भी कुछ नहीं, वो इतना इतना भ्रष्ट है, इतना पतित है, जो कृतघ्न किसी के उपकार को नहीं समझता, नहीं जानता, वो तो इतना नीच है, उसके पांव को लगे धूल हमें ना लग जाए, इसलिए मैं पानी छिड़क के चल रही हूं। ऋषि देखते सोचते रह गए, आपने भी सुन लिया भाई, कैसे कैसे विचार हैं लोगों के, क्या सोच है, कृतघ्न की क्या बात होती है, अब कृतघ्नों की तो क्या बात करें, अब बात करते हैं थोड़ी सी उन महापुरुषों की जो उपकारी हुए, जिन्होंने जीवन के अंदर महान उपकार किया, ऐसे उपकारी पुरुषों की बात करते हैं जिनको सुन करके, पढ़ करके, चर्चा करके ये जो हृदय है आनंद से भर जाए। बंधु हो सन 1539 में, 1539 में अहमदाबाद के अंदर एक शासक था, उस शासक का नाम था मोहम्मद शाह बेग, पर लोग उसको बेगड़ा कहा करते, जब किसी के काम ठीक नहीं होते, क्रूर होता है आदमी, उसके प्रति कुछ ऐसा भाव करता ना, तो फिर उसका नाम ऐसे बिगाड़ करके बोलते, नाम था मोहम्मद शाह बेग, लोग उसको कहा करते मोहम्मद शाह बेगड़ा, ये बोला करते। अहमदाबाद की बात, अब अहमदाबाद पहले भी आज भी प्रसिद्ध नगर है, पहले भी इसकी खूब सी चर्चाएं रही थी। एक दिन
अहमदाबाद के बाजार में एक चाप से मेहता नाम के जैन श्रेष्ठी थे, और वो जैन श्रेष्ठी चाप से मेहता वो जा रहे थे अपने किसी काम के, दुकान जा रहे थे, दुकान से घर जा रहे थे, किसी काम से जा रहे थे चाप से मेहता। सामने से एक बैरूपी आ गया। बैरूपिया समझे भाई, जो तरह तरह के रूप बदल करके और लोगों की कभी प्रशंसा कर दी, तारीफ कर दी, और फिर लोग इनाम दे देते हैं। सामने से वो बैरूपी आ गया, उसने देखा सेठ आ रहा है, नाम जानता था या नहीं जानता था ये देख लिया, सेठ आ रहा है। वो अपना रास्ता छोड़कर सेठ के सामने आ गया और आते इसने नमस्कार किया। नमस्कार करके बोला, पहले शाह फिर बादशाह, समझे भाई, पहले शाह फिर बादशाह, क्योंकि चाप से मेहता शाह थे, सेठ थे, और गुजरात में बंधुओ सेठ को शाह कहते हैं। तो उसने कहा पहले शाह, शाह पहले हैं, सेठ पहले हैं, और बादशाह जो राजा है ना वो बादशाह है, इन शाहों के बाद का है, वो छोटा है और शाह क्या है बड़ा है। ये उसने कह दिया, नमस्कार करिया, और नमस्कार करके बोला उनको, पहले शाह फिर बादशाह, राजा शासक जो है वो बाद में है और शाह जो है वो पहले है। चाप से मेहता के ऊपर इन बात का कोई खास असर नहीं पड़ा, सेठ थे, खाली किसी को लौटाया नहीं करते, जे मार डाला, जो था वो दे दिया, खुश हो गया वह, और खुश हो करके वो तो अपने उछलता हुआ गया, अच्छा इनाम मिल गया। वहां पर जहां ये घटना घटी,